सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड वाइड ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड ट्यूटोरियल चैनल को। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप UIDAI का जो VID निकला है नया, जो वर्चुअल आधार निकला है, वर्चुअल आधार नंबर, उसको आप जनरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि आधार का जो वर्चुअल ID है उसका हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा। दोस्तों आप जानते होंगे कि जैसा कि आपका डाटा लीक होने का बार बार मामला आ रहा था कि हाँ डाटा लीक हो गया। डाटा लीक इसलिए होता था क्योंकि आपका जो आधार नंबर है वो फिक्स रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप कहीं मोबाइल की दुकान पर गए, सिम लिए, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को आप वो आधार नंबर देते थे डायरेक्ट, तो आधार नंबर जो आपका रहता था वो फिक्स रहता था। आपका आइडेंटिफिकेशन वही 12 नंबर के जो आधार रहता उससे ही मतलब डिसाइड हो जाता था कि हाँ उसी आदमी का है। तो वो आप बैंक में भी लिंक करते थे और आप बहुत जगह पे अपना जो आधार नंबर था वो उसको लिंक करते थे। ठीक है, कि आपका आधार नंबर क्या है तो उस आधार नंबर से जो भी चीज़ लिंक है उसका पता लगा सकते थे। लेकिन जो VID होगा दोस्तों, वर्चुअल ID है, जो आधार ने निकाला है, जो आप खुद से जनरेट कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि आप कैसे जनरेट कर सकते हो। ये VID जो है 16 डिजिट का होगा, जो कि आपका जो फिक्स नहीं रहेगा दोस्तों, आप इसको जब चाहो जब चेंज कर सकते हो दोस्तों। और इसमें ये भी एक बात है कि मतलब आप इसको खुद से जनरेट कर सकते हो। ठीक, जब भी आप दोबारा चेंज करोगे इसको, जो आपका पुराना वाला जो ID होगा, जो वर्चुअल आधार होगा पुराना वाला, वो आपका बंद हो जाएगा और जो नया वाला होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। इससे ये होगा कि मतलब आपको कहीं भी अपना जो रियल आधार कार्ड है, आधार नंबर, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस अपना वर्चुअल ID नंबर देना होगा और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो दे जरूरत होगी, और आपका जो ओरिजिनल आधार कार्ड है वो आप नहीं दे सकते हो कहीं, तो आपका वर्चुअल ID से ही काम चल जाएगा। इससे जो है कि आपका डाटा जो है बिल्कुल सेफ रहेगा। आपके डाटा, ये जो वर्चुअल ID है, इसको खुद से जनरेट करने के लिए बस दोस्तों आपके पास अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, जो कि आप अपने आधार कार्ड से लिंक किया है, उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि UIDAI की तरफ से आपके उस मोबाइल पे OTP आएगा, उसको आपको डालना होगा वहाँ पे। ठीक है, तभी आप अपना जो वर्चुअल आधार है वो जनरेट कर सकते हैं, जो कि 16 डिजिट 16 डिजिट का होता है। ठीक है दोस्तों, और आप इसको रिप्लेस भी उसी तरीके से कर सकते हैं, वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे। वीडियो की तरफ बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो उसके बगल में जो बेल का आइकन होगा उससे क्लिक कर लें, ताकि हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। करना होगा UIDAI। ठीक है, जैसे ही UIDAI पे हम सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला निकल के आएगा इसमें जो UIDAI लिखा होगा ऊपर में देखिएगा, UIDAI.gov.in, उस पर हम लोग को क्लिक करना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जाने के बाद हम लोग को जाना होगा एनरोलमेंट एंड अपडेट में। ठीक है, एनरोलमेंट एंड अपडेट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार सर्विसेज है, यहाँ नीचे में जो वर्चुअल ID जनरेटर है इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों वर्चुअल ID जनरेटर, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा वर्चुअल ID जनरेटर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को अपना आधार नंबर डालना होगा, यहाँ पे उसका जो सिक्योरिटी कोड ये वाला है दिया हुआ, ये वाला डालना होगा। उसके बाद जब सेंड OTP हम लोग क्लिक करेंगे तब उसके बाद हमारे मोबाइल पे जो है OTP आएगा, उस OTP को हम यहाँ डालना होगा। उसके बाद जनरेट वर्चुअल ID इस पर क्लिक करना होगा दोस्तों। ये जो दोबारा ID जनरेट करता है उसके लिए है, जो मतलब रिट्राइव करना चाहता है उसके लिए है। ठीक है, तो हम आपको मतलब अपना जो वर्चुअल ID है वो जनरेट करके दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो हम अपना आधार नंबर डाल दिए हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंड OTP करेंगे, जैसे ही सेंड OTP करेंगे तो हमारे मोबाइल पे OTP आएगा। जैसे देख सकते हैं दोस्तों हमारे को OTP आ गया, तो इस OTP को हम खोलते हैं, इस OTP को हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जनरेट VID पे क्लिक करते हैं, उसके बाद सबमिट, यहाँ पे नीचे में जो देख रहे हैं आप, सबमिट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारा जो वर्चुअल ID होगा वो जनरेट होगा। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वर्चुअल
नंबर सक्सेसफुली जनरेटेड एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो भी हमारा वर्चुअल आई डी है वो हमारे आपके जो भी जनरेट करोगे उसके वर्चुअल आई डी पे, मतलब जो मोबाइल नंबर दिया होगा वो सक्सेसफुली चला जाए। कि आप कैसे अपना वी आई डी जो वर्चुअल आधार नंबर है उसको जनरेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि ये और सेफ इसलिए है क्योंकि ये जब भी आप जनरेट करोगे सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड होगा ये जो वर्चुअल आधार नंबर है। जैसे आज आपको कहीं वर्चुअल आधार नंबर आपको कहीं देना है तो आज आप जनरेट कर लोगे अपना वर्चुअल आईडी दे दोगे वहाँ पे, और उसके बाद फिर आपका जो वर्चुअल आईडी होगा कल उसी टाइम 24 घंटे के बाद वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। दोबारा जब भी जाओगे अपना जो वर्चुअल आईडी दूसरे जगह देने के लिए तो आपको फिर से अपना जो वर्चुअल आईडी वो जनरेट करना पड़ेगा। ये जो है ये बहुत अच्छा है ताकि आपका जो डाटा लीक है वो बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, कभी भी डाटा लीक आपका हो नहीं सके, कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे हो नहीं। लेकिन दोस्तों आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसका जो इस्तेमाल है आप 1 जुलाई से ही कर सकते हैं क्योंकि जो अभी सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि आपका जो वी आई डी है वो आपका उपयोग में ले सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना